अगर मेरे बारे में ना सही तो कम से कम अपनी बारे में सोच लो। तुम ऐसे सारा दिन इस घोंसले में पड़े रहते हो, ना तो अंडों का ही ख्याल रखते हो और ना ही दाना लेकर आते हो। आखिर मैं क्या करूं? अपने आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लो। रानू चिड़िया की हर वक्त बस अपने पति से इसी बात के लिए लड़ाई होती रहती थी, लेकिन उसका पति उसकी एक भी बातों पर गौर भी नहीं देता था। मैं अभी जवान हूँ, मुझे किसी भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है, और हर वक्त तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाती क्यों रहती हो? मुझसे नहीं होते ये काम। आम देखना, एक दिन तुम इसी वक्त के लिए पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब ये बच्चे हमारा सहयोग बनते हैं। मैंने तुम्हारी वजह से पहले दो अंडों को खो दिया है। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आए करूंगी। तुम्हें अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। मैं सिर्फ अपने बच्चों का ही ख्याल रखूंगी। रानू चिड़िया अपने लिए भोजन भी लाती और अपने अंडों का ख्याल भी रखती, लेकिन उसका पति आकाश चिड़ा कुछ भी नहीं करता। समय करीब आ गया है, अब कुछ ही दिनों में हमारे अंडों से बच्चे भी बाहर आ जाएंगे, इसलिए इन्हें गर्माइश की बहुत जरूरत है। आप मेरी बात मान लो और आप भोजन के लिए चले जाए करो, अपने परिवार का ख्याल करो। लेकिन रानू चिड़िया का पति भोजन की तलाश में जाता भी तो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करके घर वापस लौट आता। पति जी, मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, आज तो मुझे भी बस कुछ ही दाने मिले थे जो मैंने खा लिए, लेकिन अभी भी मेरा पेट भी खाली है। चिड़िया बेचारी सुबह से अंडों पर बैठी हुई थी और वो इस इंतजार में थी कि उसका पति आएगा तो कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगा, लेकिन उसका पति तो खाली हाथ घर लौट आता है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपने बच्चों के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। बेचारी रानू भूख से मर रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं अगर भूख से मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? क्यों ना मैं कौवे भैया से मदद मांगूं? फिर मीनू चिड़िया पास ही कौवे के घोंसले में आती है। कालू भैया, आप तो जानते ही हो कि मेरा पति कोई भी काम नहीं करता और भोजन भी नहीं लेकर आता। मेरे अंडों से मेरे बच्चे भी बाहर आने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर भी नहीं जा सकती। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि बस कुछ दिनों तक मेरे लिए भी भोजन ले आया करो। अगर जिंदगी रही तो मैं आपका ये एहसान भी चुका दूंगी। तुम चिंता मत करो, मुझे अब जो भी भोजन मिले करेगा मैं उसमें से थोड़ा भोजन तुम्हारे घोंसले में भी दे आया करूंगा। अभी तुम ये कुछ गेहूं के दाने ले जाओ, इन्हें खा लेना, इनसे तुम्हें थोड़ी ताकत मिल जाएगी। कालू भैया, आपका धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। फिर रानू चिड़िया वो गेहूं के दाने लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कहां से आई हो और ये गेहूं के दाने कहां से लाई हो? मुझे भी दो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। शर्म करो, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है और तुम के मुझे मारना चाहते हो भूख से? रानू चिड़िया ने अभी एक दो दाने खाए थे कि उसका पति उससे वो पूरा भोजन छीन कर खा जाता है। ये घोंसला मेरा है और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे भोजन देना होगा, और फिर बाद में बचेगा वो तुम खाओगी। अगर नहीं ऐसा करोगी तो अभी की अभी निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कहते हुए? अरे तुम बाप हो इन बच्चों के। देखना, तुम्हें ये बातें याद आएंगी जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं रहेगी, तब तुम ये सारी बातें याद करोगे। ज्यादा भाषण मत दो, जब समय आएगा तब देख लेंगे। फिर ऐसे ही दिनों रात गुजरते जाते हैं। रानू का पड़ोसी कालू कौबा रोजाना रानू को थोड़ा भोजन दे जाता है, जिसमें से उसका पति सबसे ज्यादा पहली खा लेता है, और फिर जो बचता उसे खाकर रानू अपना गुजारा करती है। और फिर आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रानू चिड़िया के अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। निकल आए मेरे अंडों से मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल आए। देखो तो कितने प्यारे हैं मेरे दोनों बच्चे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी, लेकिन शाम को ही उसके पति ने उससे लड़ाई कर दी। मुझे भूख लगी है, चलो जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मुझे नहीं पता कि भोजन कहाँ मिलता है, जल्दी जाओ।
मेरे बच्चों का आज पहला दिन है, मैं इन्हें कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? रानू, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो निकलो मेरे घोंसले से। मुझ पर दया करो और अपने इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखो, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं पता कि तुम कहाँ जाओगी, निकलो अभी की अभी यहाँ से, ये मेरा आखिरी फैसला है। फिर रानू चिड़िया का पति रानू को घर से निकाल देता है और रानू बिचारी अपने दोनों बच्चों को अपने सर पे बिठाए उड़े जा रही थी और वो उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच जाती है। उसे भी कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है कि तभी उसे सामने एक पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है जिसमें वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। फिर रानू चिड़िया बहुत ही मेहनत से अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। ऐसे ही समय बीतता गया और रानू के दोनों बच्चे बड़े हो गए। मम्मा मम्मा, आप कितना काम करती हो और हमारे लिए कितनी मेहनत से भोजन लाती हो, हम भी आपके साथ अब आपकी मदद किया करेंगे। क्यों नहीं बेटा, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ बाप का सहयोग बनते हैं। लेकिन मम्मा, हमारे पापा कहाँ हैं? बस बेटा, तुम्हें क्या पता, तुम्हारे बाप ने मुझे, तुम जब एक दिन के थे तभी मुझे घर से निकाल दिया था, तब मैं तुम्हें किसी तरह यहाँ लेकर आई। लेकिन मम्मा प्लीज, हमें एक बार वो घर दिखा लाओ ना जहाँ हम पैदा हुए थे। ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों जिद करते हो तो हम आज उसी तरफ चले जाते हैं। फिर रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर पुराने घर की तरफ जाती है और जल्द ही वो वहाँ पहुँच जाती है। वो देखो, वो है सामने पेड़ पर तुम्हारा घोंसला, जाओ जाकर देख आओ। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, तुम जल्दी आ जाना। फिर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे वहाँ आते हैं। जब वो वहाँ घोंसले में एक बीमार पक्षी को देखते हैं तो डर जाते हैं। कौन हो तुम? हमारी मम्मा का नाम रानू है। तो तुम रानू के बच्चे हो? हाँ, हम आए थे अपना वो घोंसला देखने जहाँ हम पैदा हुए थे। तुम कौन हो इधर? क्या तुम अपनी मम्मा को कुछ देर के लिए यहाँ बुला सकते हो? मुझसे तो अब उड़ा भी नहीं जाता और मेरे पंख भी बीमार हो गए हैं। बच्चों के वापस ना आने पर मम्मा चिड़िया रानू भी वहाँ आ जाती है। उसे देखकर तो रानू का पति रोने लग जाता है। मुझे माफ कर दो रानू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुर्म किया है। लेकिन अब तुम ये जान लो कि मेरे पास बहुत खुशियां हैं, मेरे बच्चे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे मम्मा कहकर पुकारते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इन खामोशी के सिवाय और कुछ नहीं है। याद करो वो समय जब बस बस कर जाओ रानू, बस मुझे सब याद है, बस तुम मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। याद करो उस रात को जब तुमने मेरे मासूम बच्चों के साथ मुझे घर से निकाल दिया था। वो तो मेरी नेकी थी, वरना मैं भी उसी रात अपने बच्चों के साथ मर जाती। मैंने तुमसे कितनी मिन्नतें भी की थी लेकिन तुम्हें मुझ पर कोई दया नहीं आई। और हाँ, मैं तुम्हें माफ कर भी दूं लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, जिन्होंने अपना जीवन तुम्हारे बगैर गुजारा है। मैं कैसे तुम्हें माफ कर दूं? मम्मा चलो यहाँ से, हम आपको दुखी नहीं देख सकते। शायद हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमारी वजह से आपके पुराने दुख भी ताजे हुए। हमें माफ कर दो, हम अब कभी यहाँ नहीं आएंगे। फिर रानू चिड़िया और उसके दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और आकाश चिड़ा तो उन तीनों को देखता ही रह जाता है। चार चील मिलकर कालू कौवा को खाना चाहते थे, तब कालू उनसे कहता है, कृपया करके आप सब मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? घर पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज आप मुझे छोड़ दो। अरे कालू कौवे, हम ऐसे कैसे तुझे छोड़ दें, बड़े दिनों बाद तो हमें अपना शिकार खाने को मिला है, चुप करके बैठा रहे। ये कहकर वो चारों चील कालू कौवे पर हमला कर देते हैं और फिर उसे वो सब थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं। दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी।
रानू चिड़िया के पति की मौत कुछ समय पहले हो गई थी। रानू के बगल में ही कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। एक दिन चिड़िया कालू कौवे के पास बैठी हुई थी, तब भी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है और वो कहती है, कौवे भैया वो देखो, हमारे घर के पास में ही दो छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। चिड़िया, ये नए पौधे तो मैंने भी आज ही देखे हैं, चलो तो हम पास जाकर देखते हैं इन पौधों को। चिड़िया, अगर ये दोनों पौधे बड़े होकर फलदार पेड़ बन गए तो फिर तो हमारी भोजन की चिंता ही दूर हो जाएगी। हाँ कौवे भैया, फिर तो हमें भोजन अपने घर के पास ही मिल जाया करेगा। फिर ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और वो दोनों छोटे पौधे बड़े पेड़ में बदल जाते हैं। एक पेड़ उनमें से सेब का था और एक पेड़ नीम का था। उन दोनों पर फल भी लगना शुरू हो जाते हैं। एक दिन चिड़िया बैठी फल खा रही थी, तभी वहाँ गोरी कौवी और कालू भी आ जाते हैं। चिड़िया, आज के बाद तुम कभी इस पेड़ पर नहीं बैठा करोगी और न ही इस पेड़ से फल खाया करोगी, क्योंकि आज से ये पेड़ हमारा है। लेकिन गोरी बहन, जब से ये दोनों पौधे छोटे थे तब से मैं इनकी देखभाल कर रही हूँ। तो इसीलिए हम तुम्हें एक पेड़ दे रहे हैं, वो बराबर वाला पेड़ तुम्हारा है और ये सेब वाला पेड़ हमारा है। कौवे भैया, वो नीम का पेड़ है, वो पेड़ मेरे किस काम का, और भला नीम के पेड़ के फल कौन खाता है। अगर ज्यादा चूचू की तो एक लगाऊंगी, चलो भाग जाओ यहाँ से, अब ये पेड़ मेरा है। चिड़िया चुपचाप डरकर वहाँ से चली जाती है और नीम के पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ चिड़िया, आप क्यों रो रही हो? नीम के पेड़ जी, आपको तो पता है ना कि जब आप छोटे थे तब मैंने आपकी कितनी सेवा की थी, आपको समय पर पानी दिया था, और अब दोनों में से एक पेड़ पर फल लगे हैं तो कौवों ने मुझे वहाँ से भगा दिया और फल भी नहीं खाने दिए। चिड़िया आप चिंतित ना हो, पहले भी तो आप भोजन खोज करके ले आती थी, मेरा फल जरूर कड़वा है लेकिन मैं आपको ठंडी छाया दूंगा। जब आप थक हार कर मेरे पेड़ के नीचे बैठोगी तो आपकी कुछ ही देर में सारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ आपने एकदम ठीक कहा, मुझे नहीं खाने किसी के फल, मैं तो पहले की तरह ही अपने लिए और अपनी बेटी के लिए भोजन ढूंढ कर ले आ जा करूँगी। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी जी भर कर फल खाकर नदी पर पानी पीने चले जाते हैं। वो सेब का पेड़ भी बहुत घमंडी था, वो नीम के पेड़ से कहता है, सुनो सुनो कड़वे नीम के पेड़, तुम्हें कोई भी पक्षी पसंद नहीं करता है, इसलिए तुम्हारा तो इस जंगल में रहना बेकार है, क्योंकि ना तो कोई भी पक्षी तुम्हारे पेड़ पर आकर बैठेगा और ना ही तुम्हारे फल खाएगा, क्योंकि तुम्हारे फल तो कड़वे हैं। ये सब वो बातें थी जो वो सेब का पेड़ हर रोज उस नीम के पेड़ से कहता था। अब तो वो नीम का पेड़ भी दुखी हो जाता है। हम पेड़ों से ही इस जंगल की रौनक है, अगर तुम पक्षियों को मीठे फल देते हो तो मैं भी पक्षियों को ठंडी हवा और छाया देता हूँ। फिर वही बात, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या। वो सेब का पेड़ ऐसे ही नीम के पेड़ का मजाक उड़ाता था। फिर जंगल में रात भी हो जाती है। मम्मा मम्मा, आपने तो कहा था कि आज आप मेरे लिए पास वाले सेब के पेड़ से मीठे मीठे सेब लेकर आओगी, लेकिन आप तो फिर से ही ये अनाज लेकर आई हो। गुड़िया बेटी, आप तो जानती हो उन कौवों को, आज सुबह जब मैं सेब तोड़ने के लिए उस पेड़ पर बैठी कि तभी कौवा और कौवी अपने घर से निकलकर वहां आ गए और मुझे सेब तोड़ने से मना कर दिया और मुझे वहां से भगा दिया। परंतु क्यों मम्मा, आपने तो उन पेड़ों का बहुत ख्याल रखा है और उन्हें समय पर पानी भी दिया है, फिर कालू अंकल ने आपको सेब क्यों नहीं तोड़ने दिए? चिड़िया अपनी बेटी को कैसे समझाती कि वो कौवे कितने स्वार्थी और कितने जालिम हैं। गुड़िया बेटी, अब तुम ये अनाज खाओ और सो जाओ, कल मैं तुम्हें मीठे मीठे पहाड़ों की तरफ से जामुन ला कर दूंगी।
दूसरे रोज कौवा और कौवी जब सेब के पेड़ पर बैठे सेब खा रहे थे, तब वो सेब का पेड़ उनसे कहता है, कौवों जरा मेरी बात सुनो। बताएं बताएं पेड़ जी, क्या बात है? मुझे इस नीम के पेड़ से नफरत है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इस नीम के पेड़ को काट दो? क्योंकि मुझे डर है कि मेरे पास में इसके होने की वजह से कहीं मेरे फल भी कड़वे ना हो जाएं। पेड़ जी, अगर आपकी ये इच्छा है तो हम आज ही काट देते हैं इस पेड़ को। ये सब बातें वो नीम का पेड़ सुन रहा था। आप मुझे काट ही दें तो अच्छा है, क्योंकि रोज रोज आपके ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं एक ही दिन कट जाऊं। गौरी, आप जाओ नदी से पानी पियाओ और मैं जाकर इस नीम के पेड़ को खुश करने के लिए कुल्हाड़ी ले आता हूँ, और फिर हम आज इस पेड़ को काट ही देंगे। फिर ऐसे गौरी को भी नदी की तरफ और कौवा कुल्हाड़ी लेने चला जाता है। फिर वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। कैसे हो दोस्त? परंतु वो नीम का पेड़ खामोश था। आम का घमंडी पेड़ बोलता है, ये आज नहीं बोलेगा, क्योंकि इसे मेरा दोस्त कालू कौवा आज काटने वाला है। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। क्यों, आप इसे क्यों कटवा रहे हो? इस कड़वे पेड़ से कोई फायदा नहीं है और ये मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, और चिड़िया इसके कट जाने से जंगल में से एक कड़वा पेड़ भी खत्म हो जाएगा। सेब के पेड़ जी, आप अपने सेबों पर इतना घमंड मत करो, क्योंकि इस जंगल में कोई भी चीज बेकार नहीं है। भगवान ने सभी पेड़ों में कोई न कोई खूबी रखी है। नहीं चिड़िया, अब मैं भी जीना नहीं चाहता हूँ। ये मुझे काट ही दें तो अच्छा है। आपके सिवा कोई भी पक्षी मेरे पास नहीं आता है, और न ही कोई मुझे संगीत सुनाता है, और ये पेड़ तो मुझे हर समय कड़वा कड़वा कहकर छेड़ता रहता है। वो नीम का पेड़ ऐसे रोते रोते चिड़िया से कहता है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा भी कुल्हाड़ी लेने जा रहा था, तभी रास्ते में कालू कौवे को कुछ चील घेर लेते हैं। तब कालू उनसे कहता है, छोड़ दीजिए मुझे, आप सब मुझे क्यों खाना चाहते हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अरे ऐसे कैसे छोड़ दें, बड़े दिनों बाद तो हमें अपना शिकार खाने के लिए मिला है। चुपचाप से बैठा रहे, समझा? ये कहकर वो चारों चील मिलकर कालू को मारने लगते हैं। तभी वहाँ कबूतर और तोता आते हैं। उन दोनों को देखकर वो चारों चील कालू को घायल अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं। तब कबूतर और तोता कालू के पास आते हैं। कालू, आप कैसे घायल हो गए हो? मुझे तो लगता है कि इसकी ऐसी हालत चीलों ने की है, क्योंकि चीलों के पैरों के पंजे छप रहे हैं। दोस्तों, मेरी ऐसी हालत चीलों ने की है, आप प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ आओ। फिर कबूतर तोता कालू कौवे को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। हाय हाय, मैं मर गई, ये क्या हो गया मेरे कालू जी को? गौरी, अब चुप हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरे घाव में बहुत दर्द हो रहा है। फिर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मुझे तो कबूतर ने बताया कि हम कालू को घर छोड़कर आए हैं, उसे चीलों ने घायल कर दिया है। चिड़िया बहन, आप जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को ले आए, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पति जी के। चिड़िया जल्दी जाओ, नहीं तो मैं दर्द से मर जाऊंगा। फिर कुछ ही देर बाद चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को ले आती है। इनका घाव तो बहुत ज्यादा है, और इस जंगल में तो कोई नीम का पेड़ भी नहीं है। अगर होता तो नीम के पत्ते कालू के घाव पर लगाने से इनका दर्द कम हो जाता। बुलबुल बहन, नीम का पेड़ तो हमारे घर के पास में ही है, जल्दी से कुछ नीम के पत्ते लेकर आओ। गौरी, अब किस मुंह से जाओगी उस नीम के पेड़ के पास पत्ते लेने? उसी पेड़ को काटने के लिए तो मैं कुल्हाड़ी लेने जा रहा था, तभी तो मेरे ये चोट आई। चिड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप जाएं और उस नीम के पेड़ से कुछ पत्ते ले आएं। हाय हाय, मैं मर जाऊंगा।
पेड़ चिड़िया जल्दी से वहाँ से जाती है और नीम के पेड़ के पास आकर उसे सारी बात बताती है। क्या क्या मेरे पत्ते भी किसी के काम आ सकते हैं? हाँ पेड़ भाई जी, मुझे गोरी कौबी ने भेजा है क्योंकि वो आपसे बहुत शर्मिंदा थी। ठीक है, तो फिर आप जल्दी से मेरे पत्ते ले जाओ और ले जाकर उस कौवे के घाव पर लगाओ। फिर चिड़िया पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। सेब का पेड़ भी सब सुन रहा था। दोस्त मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आपको फालतू में ही छेड़ता रहता था, आप तो बहुत काम की चीज हो। हम साथ साथ बड़े हो गए हैं, मुझे आपसे बहुत प्यार है, बस ऐसे कभी अब मुझे तंग ना करना। मैंने नीम के पत्ते की दवा लगा दी है, अब कालू जी को नीम का फल भी खाने के लिए देना, क्योंकि ज्यादा सेब खाने की वजह से कालू जी के खून में शुगर की मात्रा भी बढ़ी हुई है। जब नीम का कड़वा फल खाएंगे तो इनका शुगर थोड़ा कम हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद कालू कौवा फिर से उड़ने लगता है और फिर वो दोनों नीम के पेड़ से माफी मांगते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि कोई भी पेड़ बेकार नहीं होता है। दोस्तों ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अच्छे लोगों की अच्छी बातें मान लेनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि गोरी कौबी को बुलबुल के पास कौन लेकर गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।